गाइस, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप, अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कॉन्फिडेंट, हमेशा खुश रहिए, जिंदा रहिए, आबाद रहिए। ज्यादा हो गया ना, चलो वीडियो शुरू करते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं आपको फाउंडेशंस के बारे में बताऊं कि बेस्ट फाउंडेशंस कौन सी हैं। देखिए, मैं एज अ शॉपकीपर भी बात नहीं करूंगी, एज अ पर्सन बात करूंगी कि मैं बिगनर हूँ। ठीक है, मैं बिगनर हूँ, मैंने कभी फाउंडेशन नहीं लगाया, मुझे पहली पहली बार लगाना है। तो कभी भी किसी के कहे पे यूट्यूब पे वीडियो देख ली, मैंने ये वाला ब्रांड यूज किया है, आप वो वाला ब्रांड उठा के ले आएंगे, नो। हमेशा अगर आप बिगनर हो तो कोशिश करें मार्केट में जाके, एक अच्छे स्टोर में जाके अच्छे से बात करके फिर ही अपने लिए फाउंडेशन खरीदे। उसका स्किन टोन अपना, मतलब उसके साथ आपका स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, आपका स्किन टेक्सचर कैसा है, सब चीजें दिमाग में रखते हुए फिर फाउंडेशन खरीदे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। गाइज, आपके साथ मैं सिर्फ ना कुछ ब्रांड जो है आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत सेल में होते हैं और जो ट्रस्टवर्दी होते हैं। सबसे पहले, आजकल आपने मेरी जो लास्ट वीडियोस देखी होंगी मेकअप की, मैंने सुनिशा फाउंडेशन बहुत यूज़ की है। ये इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुई थी, उसके बाद लास्ट ईयर ये यूट्यूब पे भी बहुत वायरल हुई थी। ये बहुत अच्छी है। अगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू दूँ तो मुझे लगता है जितना मैंने इसको जाना है, ये क्या करती है, स्किन को थोड़ा सा फेयर टच देती है। मेरी स्किन ऑलरेडी फेयर है, थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, तो ये पिगमेंटेशन को भी हाइड करती है। आपको कोई भी करेक्टर लगाने की, आपको कंसीलर लगाने की जरूरत नहीं होती। अगेन कहूंगी, अगर आप सुनिशा लेना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्किन को एक अच्छा सा टेक्सचर देती है, फ्लॉलेस है, आपकी स्किन पे धब्बे धब्बे से नहीं दिखेंगे, ब्लेंड करने में बहुत ईजी है। अगर आप बिगनर हो, आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फिर भी आप जब भी इसे बाय करें तो ऑनलाइन फटाफट बाय ना करें। अगर आप बिगनर हैं, जाएं अपने स्किन टोन पे लगा के, यहाँ लगा के देखें। ठीक है, अगर तो आपको ऐसा ना लगे कि ये ओवर ही चिट्टा कर रही है, मान लीजिए आप अंडर टोन में हो, थोड़े सांवले कलर में हो, तो ये ज्यादा ही चिट्टा कर रही है, तो फिर वो भी नहीं अच्छा लगता। ठीक है, सुनिशा इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन बिगनर है तो थोड़ा आराम से खरीदे। नेक्स्ट, स्विस ब्यूटी। स्विस ब्यूटी ब्रांड ने आजकल तो कमाल किया हुआ है। इनकी फाउंडेशन भी बहुत वेरिएशन में आती है, जिनमें से मैं आपके साथ एक शेयर करूं तो हाई कवरेज। मेरा लास्ट एक मेकअप लुक गया होगा, उस पर मैंने यही यूज की है, हाई कवरेज वाली, बहुत ही अच्छी है। और ये फ्लॉलेस होती है, इसे ब्लेंड करना बहुत अच्छा, मतलब ईजी होता है, आपकी स्किन पे पैची नहीं होती, बहुत अच्छी आपके साथ स्किन में अब्जॉर्व जो है वो हो जाती है। स्विस ब्यूटी ब्रांड में जो भी मैं आपके साथ ब्रांड डिस्कस कर रही हूँ ना, ये अलग अलग तरह के, इनमें बहुत ही सारी फाउंडेशंस आती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूं लैक्मे। लैक्मे भी बहुत वैरायटी आती है, जिसमें मैं जो आपके साथ चीजें शेयर करूंगी, और तीन तरह की लैक्मे की जो है फाउंडेशन बहुत फेमस है। सबसे पहले तो जो लैक्मे की फाउंडेशन फेमस है, दैट इज लैक्मे परफेक्टिंग, जिसका जो है मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी, ये बहुत फेमस है। सबसे पहला इसका फेमस होने का कारण क्या है, ये लाइट वेट होती है, जल्दी से जो है वो ब्लेंड हो जाती है। नेक्स्ट इसका कारण है रेट। इसका रेट वाजिब है, आपका पॉकेट फ्रेंडली है, इसे आप आराम से चूज जो है वो कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हो तो आप ऐसी ही फाउंडेशन से शुरू करें जो ब्लेंड करने में ईजी हो और जिसका रेट भी सही हो, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरी फाउंडेशन लेने में ये ना हो कि हाई मेरे पैसे वेस्ट हो गए। नेक्स्ट लैक्मे में आती है 9 to 5, जिसमें प्राइमर मैट लुक होता है, इसमें प्राइमर भी ऐड होता है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं एक पर्सनल सुझाव दूं, चाहे प्राइमर हो लेकिन आप फिर भी जेल बेस्ड प्राइमर पहले जरूर लगाइएगा। फाउंडेशन भी है, प्राइमर भी है, इसमें ना कलर शेड्स बहुत आती हैं, 16-17 के करीब इसमें शेड्स आती हैं, तो आपकी टोन के हिसाब से आपको परफेक्टली इसमें से मैच हो जाएगा। एक लैक्मे में आती है आर्गन ऑयल। दिस इज गुड, दिस इज बेटर, दिस इज बेस्ट। ये मैंने पर्सनली चूज की है और मैंने 2-3 साल इसे कॉन्टिन्यूसली यूज किया है गाइस। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि अब मैं इस काम में पड़ गई हूँ, तो मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं अपनी पसंद से लेके आती हूँ। पहले जब मेरे पास शॉप नहीं थी तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती थी, तो लैक्मे आर्गन ऑयल ही लेती थी। बहुत अच्छी है, स्किन पे इतना अच्छा ग्लो देती है, लगता ही नहीं है कि फाउंडेशन लगाई है, बहुत अच्छी है। लेकिन ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है, 500 के अराउंड, इसका MRP 500 से ज्यादा होता है। लेकिन अलग अलग स्टोर पे अगर आपको
आपको कोई डिस्काउंट दे रहा है तो आपको अलग अलग तरीके से मिल सकती है। अगर आप फाउंडेशन में माहिर हो ना, लगाने में, मेकअप करने में माहिर हो, तो दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे ना ग्लो सा आता है, वैसे तो मेरे बिना मेकअप के छाइयों पे ही ग्लो रहता है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आजकल फेमस हो रही है, वो है मामा अर्थ। मामा अर्थ के प्रोडक्ट आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं। मैं पर्सनली बात करूँ तो मैंने बहुत सारी वीडियोज देखी है जिनमें मामा अर्थ लोग यूज करते हैं और बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन है, लेकिन पर्सनली अभी तक मैंने नहीं ली है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप मामा अर्थ को ट्राई कर सकते हैं। मामा अर्थ ट्रस्टवर्थी ब्रांड है और इन्होंने ना, मैंने पर्पल पे जाके स्टडी की थी सारी इस फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि मैं हर चीज़ के बारे में ना जानने में बहुत क्यूरियस रहती हूँ, हर चीज़ को जानना है इसमें क्या है, इसमें क्या है ना। तो मैंने इसमें देखा इनमें बहुत वैरायटी ऑफ एसेंशियल ऑयल्स डाले हैं जो आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से होते हैं, और एसेंशियल ऑयल आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। और अगर फाउंडेशन में एसेंशियल ऑयल डाला ना, जैसे लैक्मे में आर्गन ऑयल डाला है, तो आपकी स्किन पे चार चांद वो लगा ही देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हुडा ब्यूटी, हुडा ब्यूटी इज आल्सो वेरी फेमस। ये पॉकेट फ्रेंडली होती है, बजट में मिल जाती है, आपकी स्किन को अच्छा सा फ्लो देती है, ये बहुत अच्छी होती है। अगर आप बिगनर हैं तो आप हुडा ब्यूटी भी ले सकते हैं, लैक्मे की जो है ये लैक्मे की ये वाली भी ले सकते हैं, पॉकेट फ्रेंडली होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिटमी बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। हर तीसरा चौथा बंदा जो कस्टमर आता है ना शॉप में, वो लैक्मे की फिटमी ही लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें शेड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। दूसरा, इसका जो है वो रेट बहुत सही है, लेकिन रेट की अगर बात करूँ तो क्वांटिटी भी इसमें थोड़ी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और ये फ्लॉलेस आपको लुक देगी स्किन पे। ब्लेंड जो है वो तो चलो आपको बहुत तरीकों से करना होता है, लेकिन ये भी बहुत फेमस है। ये कुछ जो है ब्रांड थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, लेकिन फिर से मैं आपको एक जो थोड़ा सा टिप देना चाहूँगी, अगर आप हैं, आप बिगनर हैं, तो आप स्टोर पे पर्सनली जाके ही अपने लिए फाउंडेशन खरीदें। हाँ, ब्रांड आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, रेट वाइज वेरी करेगा, लेकिन ये सारे ब्रांड जितने भी फाउंडेशंस देते हैं बहुत ही अच्छी देते हैं। स्किन टोन, स्किन टाइप, अपना टेक्सचर बिल्कुल ना भूलें, यहाँ पे फाउंडेशन लगा के देखें और वही बाय करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सत श्री अकाल।